नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले पंजाब किंग्स के बारे में, जहां पे हम बात करेंगे कि ऐसे चार कौन से विदेशी खिलाड़ी रहेंगे जो पंजाब की प्लेइंग 11 में फिट बैठने वाले हैं, उनके पहले मैच को लेकर के जो कि होने वाला है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ कल यानी कि 12 अप्रैल को मुंबई में ये मैच खेला जाने वाला है। तो अब दोस्तों, क्या है पूरी रिपोर्ट, क्या है ये खबर और कौन से हैं ये खिलाड़ी, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे हमारे वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और सबसे बड़े फ़ैन हैं पंजाब किंग्स के KL राहुल के, सपोर्ट करते हैं इस टीम को, जिताना चाहते हैं IPL 2021 का खिताब, तो बेझिझक सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको रोजाना और हमेशा अपडेट मिलती रहे आपकी सबसे फेवरेट टीम पंजाब किंग्स से जुड़ी हुई और IPL 21 की सारी खबरों से जुड़ी हुई। और हाँ दोस्तों, आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसके ID का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो में कि क्या है पूरी रिपोर्ट। अब दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि वीवो IPL 2021 का जो चौथा मैच है वो पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच में होने वाला है। और अगर बात करें तो काफ़ी कड़ा और कांटे का ये मुकाबला माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से मुकाबले का जो वेन्यू है वो रखा गया है मुंबई, यानी कि हमें ढेर सारे जो है रनों की बारिश देखने को मिलेगी। और ऐसे में अगर गेल का स्टॉर्म आता है तो पंजाब किंग्स के लिए क्या कहने हैं। तो अब दोस्तों, आप भी हमें कमेंट करके बताइए, क्या आप लोग गेल का स्टॉर्म देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं पंजाब किंग्स के इस पहले मैच में, या हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे पंजाब किंग्स का जो चॉइस रहेगा वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। अगर दोस्तों बात करें चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के जो मैच हुए थे, उसमें अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग्स का जो पलड़ा है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया गेंदबाजी लाइनअप को लेकर के, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा विदेशी धारदार गेंदबाज नहीं था जो कि आ करके पेस और बाउंस के साथ जो है गेंदबाजी कर सके। तो पंजाब किंग्स को जो है इन्हीं कमजोरियों से सीखना पड़ेगा, और उनको चाहिए रहेगा कि उनके पास जो गेंदबाज हैं, अगर हम बात करें क्रिस जॉर्डन, जाय रिचर्डसन, मॉइसेस एनरिकेस और रायली मेडिथ, ये ऐसे गेंदबाज जो पंजाब किंग्स को हर पिच पर जो है गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें इनमें से पंजाब किंग्स के टीम में दो गेंदबाज ऐसे रहेंगे जो प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं और इनकी जगह जरूर बननी चाहिए। हम बात करें पहले गेंदबाज रायली मेडिथ के बारे में। रायली मेडिथ दोस्तों अगर बात करें तो 140 के ऊपर की इनकी स्पीड है, और जिस तरीके से हमने देखा पिछले मैच में दिल्ली और चेन्नई के बीच में आवेश खान जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे, काफ़ी धारदार गेंदबाजी उनकी नज़र आ रही थी और काफ़ी इंपैक्ट वाली गेंदबाजी हमें देखने को मिली है उनकी तरफ से। तो ऐसे में रायली मेडिथ को जो है पंजाब की टीम जरूर खिलाना चाहेगी इस प्लेइंग 11 में। और जिस तरीके से उनका पेस है, उनका अगर बात करें लाइन लेंथ है, काफ़ी अच्छा पंजाब को बेनिफिट कर सकता है शुरुआती की अगर बात करें पावर प्ले के ओवर्स में और अंत के ओवर्स में भी। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो पंजाब की टीम के लिए आएंगे जाय रिचर्डसन। जाय रिचर्डसन जो कि अगर बात करें BBL में हाइएस्ट विकेट टेकर बने थे, और इनकी भी गेंदबाजी काफ़ी अच्छी है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए गेंदबाजी की है और काफ़ी अच्छा जो है वहाँ पर करके आए हैं। और ऐसे में पंजाब किंग्स ने इन्हें सबसे हाईएस्ट अमाउंट में ख़रीदा है, तो इन्हें खिलाना किसी भी तरीके से पंजाब टीम की एक मजबूरी बन जाएगी। अगर बात करें कल के मैच के लिए, जहां पे उनको तेज़ गेंदबाजों की ढेर जरूरत पड़ने वाली है, तो ऐसे में जाय रिचर्डसन जो है इस प्लेइंग 11 में खेलते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। और टॉप चार विदेशी खिलाड़ियों की कैटेगरी में जाय रिचर्डसन जो है दूसरे स्थान पर रहने वाले हैं। अब दोस्तों अगर बात करें पंजाब किंग्स के लिए, तो तीन नंबर पर देखना चाहेंगे आपकी टीम क्रिस गेल को। क्रिस गेल जो कि अगर बात करें वहाँ पर काफ़ी धमाकेदार जो है बल्लेबाजी कर सकते हैं, और ऐसे में क्रिस गेल को जो है प्लेइंग 11 में से अलग करना किसी भी तरीके से ठीक नहीं रहेगा। और चार अगर बात करें विदेशी खिलाड़ियों के रूप में, तो क्रिस गेल जो है एकमात्र ऐसे विकल्प बनते हैं जो सबसे पहले चुने जाएंगे। उसके बाद दोस्तों बात करें तो निकोलस बुरन की भी जगह जो है बनती है, लेकिन पंजाब की टीम को देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो मॉइसेस एनरिकेस को वहाँ पर खिलाना चाहेंगी कि नहीं। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें आप चार विदेशी खिलाड़ियों में से दो गेंदबाज को खिलाना चाहते हैं, तो आपके पास दो बल्लेबाज ऐसे होने चाहिए जो धमाकेदार और विस्फोटक बल्लेबाजी करके आपको दिखा सके ओपनिंग में, और अगर बात करें मिडिल ऑर्डर में। तो ऐसे में दोस्तों अगर हम बात करें तो टॉप चार जो विदेशी खिलाड़ी रहेंगे पंजाब किंग्स के लिए वो क्रिस गेल, निकोलस पुरन, जाय रिचर्डसन और रायली मेडिथ रहने वाले हैं पंजाब किंग्स के पहले मैच के लिए, जो कि खेला जाने वाला है मुंबई में। तो आपका क्या कहना है दोस्तों इन चार विदेशी खिलाड़ियों के बारे में, क्या ये खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, या आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके हिसाब से कौन से चार विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं जो इस प्लेइंग 11 में, और अगर बात करें
कल के मैच में जो है पंजाब टीम के लिए प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आएंगे, या हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो लेकर आएँ तो उसका अपडेट और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।